ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, घर को साफ रखना बेहद जरूरी होता है, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर में किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को साफ रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। वास्तु शास्त्र में ऐसा माना गया है कि घर की गंदगी स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक नुकसान का कारण भी होती है। जब हम घर में जूते या चप्पल लेकर के आते हैं तो उसमें आने वाली गंदगी भी वास्तु दोष उत्पन्न करती है। दरअसल हमारे चप्पल पर लगी हुई मिट्टी में तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं, जिस वजह से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो आज हम आपको वास्तु दोष से होने वाली परेशानियों को दूर करने के उपाय बताने जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में घर में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल बाहर उतारने का प्रचलन चलता आ रहा है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि घर में कौन सी दिशा में आपको आते हैं चप्पल या जूता उतारना चाहिए या रखने का स्थान बनाना चाहिए। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है। आज हम सभी समझ रहे हैं वास्तु दोष को दूर करने के लिए क्या करना है। जी हाँ, तो इससे बचने के लिए घर के मुख्य दरवाजे के पास या सामने जूते चप्पल कभी भी मत रखिएगा। घर में प्रवेश करते समय जूते चप्पलों को व्यवस्थित ढंग से रखना काफी लाभकारी होता है। इतना ही नहीं, जूते चप्पल को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना बेहतर रहता है। घर में पड़े हुए जूते चप्पलों को उल्टा होने से बचा करके रखिए। वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण होता है अगर जूता या चप्पल पलटा हुआ रखा रहे हमेशा आप देखते हैं तो। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना गया है कि पलंग या बिस्तर के पास जूते रखने से उनमें मौजूद नकारात्मक शक्तियां हमारे दिमाग पर असर डालती हैं, जिससे कि हमारी सफलता बाधित होती है। जूते चप्पल पहन करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को बुलावा देने जैसा होता है। घर में पड़े हुए खराब जूते चप्पलों का अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो उन्हें दान कर दीजिए। घर में बिखरी हुई चप्पलें शनि की क्रूर दशा को निमंत्रण देते हैं, और आप शनि देव को तो जानते हैं, न्यायिक ग्रह हैं। अगर गलती करेंगे तो वो माफ करने वाले है नहीं। बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली चप्पल को हमेशा अलग रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि बाथरूम में दरिद्रता का वास होता है। तो अगर बाथरूम के चप्पल को आप पूरे घर में घुमाएंगे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो ये कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जो जाने अनजाने हम सभी करते रहते हैं और जिसकी वजह से परेशानियों से घिरे रहते हैं। आप किसी भी अच्छी जगह जाइए तो आप देखेंगे कि इन वास्तु दोषों को दूर किया जाता है, चाहे वो सफाई के नाम पे किया जाता हो, जैसे किया जाता हो। तो इसे फॉलो करना चाहिए, और ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, बस समझने की चीज है कि घर के पश्चिम दिशा में रखना है आपको चप्पल या जूता। और ध्यान रखना है क्या, मुख्य बात कि मेन दरवाजे के पास ना हो, जूते चप्पल पलटे हुए ना हो, और बाथरूम का एक चप्पल अलग से रख दीजिए बाथरूम में, बाकी अलग रखिए, तो बेहतर रिजल्ट पा सकेंगे। आप करके देखिए और इसके बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके जो भी आपको लाभ मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक अच्छी जानकारी मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से कमेंट में जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।